सभी लोग जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं इस पवित्र भूमि पर, त्याग मूर्ति श्रद्धामयी माँ भाग्यवंती जी, जिनके तप से यह पुनीत व्यास आश्रम की स्थापना हुई, उस परंपरा को, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, आश्रम बना लेना और जो बनाने वाला होता है उसको प्यार होता है, लगाव होता है, दर्द होता है, वो उस भाव से उसको चला भी लेता है, परंतु उसके बाद में जो पीढ़ी आती है उसके मन में वही भाव हो, वही तप हो, वही संवेदना हो, यह भी परमात्मा की कृपा से ही संभव है। उस इस व्यास आश्रम को मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी दोनों माताएं, विमला माता और शांति माता, भगवान ने, शायद यह भी मेरे को ऐसा लगता है कि माता भाग्यवंती जी बहुत तपशाली थी, उनके तप के प्रभाव से दोनों माताएं इस संस्थान को मिली, और जिनके द्वारा वैदिक धर्म के लिए, वैदिक परंपरा के लिए, वैदिक विद्वानों के लिए इतना बड़ा यहाँ से कार्य होता है, उनके लिए आश्रय स्थली है, कम से कम वैदिक धर्म मानने वालों के लिए हरिद्वार के अंदर यह एक अपना एक ठिकाना है, यह बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय गिरधारी लाल चंदवानी जी, और जिन्होंने ये सब कुछ सृजन किया, भाई रमेश जी, और यहाँ के जितने भी आप सब ट्रस्टीगण हैं, सदस्य हैं, और यहाँ बैठी हुई माता जी देख रहा हूँ, माता सरोज जी हमसे बहुत प्यार करती हैं, आचार्य जी भी बहुत प्रेम करते थे, भाई अतुल जी यहाँ पर हैं, और बहनें अभी वेद पाठ कर रही थी, बड़ा सुंदर बहनें भजन गा रही थी, तो बड़ा अच्छा वातावरण है, हमें तो अच्छा लगता है। यहाँ आकर के ऐसा नहीं है जैसे आचार्य जी कह रहे थे कि बहुत व्यस्तता है, सच बताऊं इस व्यस्तता में मैं यहाँ कोई योगदान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना विश्राम प्राप्त कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ आने से तो मुझे लाभ ज्यादा है, इसीलिए मैंने कहा आचार्य जी स्वयं पहुंचे थे, ऐसी आवश्यकता भी नहीं होती है, पर इतना प्यार और सम्मान करते हैं तो इसलिए, और आना हुआ, अच्छा लगा। जैसे अभी माता जी बता रही थी, मुझे स्मरण है शायद 94 की बात है, हम लोग जब गंगोत्री में साधना कर रहे थे, उसके बाद नीचे आए, हमने सोचा कि एक शिविर होना चाहिए हरिद्वार में, तो आने के बाद में हमने यहाँ पर माता जी से स्थान के लिए निवेदन किया, और पहला जो आयोजन है हिमालय से उतरने के बाद में सार्वजनिक प्रोग्राम के रूप में इस पवित्र भूमि को हमें अपने कार्यक्रम आयोजित करने का हमारे को सौभाग्य मिला, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसीलिए इधर की ओर आना तो कम होता है, पर जब जब इधर से निकल भी जाते हैं तो सच मानिए एक भावना हमारे हृदय में निश्चित रूप से रहती है कि यह हमारी अपने अपनी जगह है, अपना स्थान है, और माता भी जब पहुंचती हैं तो बड़ा एक अच्छा लगता है। हम सब लोग एक पारिवारिक जन है, एक पारिवारिक कार्यक्रम में है, क्योंकि आप सबको पता है पतंजलि योगपीठ में स्थायी रहने वालों की संख्या 4-5 हजार, तो ये तो मेरा एकदम अंतरंग सदस्यों को भी इकट्ठा करो इतनी संख्या होती है, तो आप सब एक अंतरंग, एक हमारा यह कार्यक्रम है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से महर्षि स्वामी दयानंद जी की जो कृपा है हम सबके प्रति, हम उनके ऋण से ऋणी हैं, उस ऋण से हमने, उस ऋण से उऋण होने के लिए, देखिए एक स्वयं साधक बन करके तप करना, ऋषि दयानंद के जीवन में भी यह घटना आती है, जब वो तप कर रहे थे, बाद में तप छोड़ करके फिर समाज की सेवा कार्यों में भी साथ में जुड़े, किसी ने कहा कि आप तप करते होते तो साधना के और उन्नत शिखर में पहुंच सकते थे। ऋषि दयानंद ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि शायद उससे मेरा ही कल्याण होगा, पर मैं जगत को साथ में, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझूंगा तो इन जगत का भी भला होगा। तो इसी भाव से श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज और हम लोग, मैं कई बार सोचता हूँ जब आप लोग की भावनाएं हैं, प्यार है हमारे प्रति, जब कुछ शब्द बोलते हैं तो बड़ा मेरे को तो संकोच सा होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा संकोची या थोड़ा सा शर्मिला टाइप भी हूँ, तो मेरे को बड़ा संकोच होता है। सच मानिए हम कुछ नहीं कर रहे, मैं बहुत बार विचार करने का प्रयास करता हूँ क्या हम कुछ कर पा रहे हैं। यदि उसको बहुत गहराई में उतर करके जब समय मिलता है और हम चिंतन करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे हृदय में एक पीड़ा होती है, एक दर्द होता है, एक टीस है समाज को लेकर के,
राष्ट्र को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, हमारी परंपरा को लेकर के, हमारे भाई बहन को लेकर के, देश के अंदर जो गरीबी है, अभाव है, बेरोजगारी है, देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, कोई सुरक्षित नहीं है आज, हमारी बहन बेटी माँ बहन सुरक्षित नहीं है, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं है, हमारी गंगा सुरक्षित नहीं है, हमारी गौ सुरक्षित नहीं है, तो ये देखते हैं तो पीड़ा होती है, पीड़ा होती है तो फिर कुछ करने के लिए मन जो है मचल उठता है, कुछ करने के लिए अंदर से ऊर्जा जो है हमें प्रेरित करती है। जब हम प्रवृत्त होते हैं तो लोग कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, हम राष्ट्र के लिए जी रहे हैं। सच बात तो ये है, हमारे मन में एक पीड़ा होती है, उस पीड़ा को शांत करने के लिए हम प्रवृत्त होते हैं, वो राष्ट्र की सेवा कहलाती है, तो ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। इसीलिए हम अहर्निश लगे रहते हैं, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, आचार्य जी हमारे अग्रज रहे, आचार्य अखिलेश्वर जी स्वामी जी के साथ, उनसे भी आगे के सनातन हैं गुरुकुल कालवा के, हम तो बहुत पीछे रहे। तो मैं यही सोचता हूँ अभी भी, यदि हम ये सब काम नहीं कर रहे होते तो हम क्या करते, हम क्या करते? तो हमारे पास काम करने के अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए हम कर्मों में जुटे रहते। कोई कहे कि मौन रहना है, मौन रहने के लिए जंगल में जाकर के मौन रहना शायद सरल है, पर कोलाहल के बीच में मौन रहना थोड़ा कठिन काम होता है। तो हम कैसे साधक हैं, हमारे अंदर कैसा साधकत्व है, उसको मापने के लिए इससे बढ़िया जो है मैं समझता हूँ कि कोई मौका नहीं मिल सकता है। यदि इस मौके का में हम कुछ अंश में भी सफल हो पाए तो मैं समझता हूँ कि ऋषि दयानंद की कृपा है, वही धर्म की जो है उसकी कृपा है और उसकी देन है कि हम इसमें भी पूरी ताकत के साथ।